बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा, जैसा कि लास्ट टाइम हमने अपने लेक्चर में ये किया था कि हमारे जो मेन्यूज़ हैं, हमारे एडमिन पैनल को हमने स्टार्ट किया था, ठीक है। और एडमिन पैनल में हमने प्रॉपर तरीके से जो है ना इसकी ओवरऑल स्टाइलिंग वगैरह स्टार्ट की, इसके मेन्यूज़ बनाए, ठीक है। तो अब हमने ऐसा करना है कि एक तो इन मेन्यूज़ को हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। एक हमें इसके ऊपर जे क्यूरी अप्लाई करेंगे ताकि जे क्यूरी से जब हम क्लिक करें तब ये चीज़ नीचे आए, ठीक है, वरना ये चीज़ सामने ना आए, ठीक है। और सेकंड चीज़ ये है कि हमने इसकी थोड़ी सी ना लुक अच्छी करनी है, मतलब कि इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू कलर स्कीम, ठीक है। तो इसकी कलर स्कीम को हम थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ओपन करते हैं। मैंने आपको अगर याद हो तो स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था हमारी वेब के flatuicolors.com, ये एक वेबसाइट है जिसके थ्रू हम अपने कलर्स वगैरह अच्छे अच्छे पिक कर सकते हैं, ठीक है। बड़े वॉर्म्स कलर्स हैं जो आँखों को चुभते नहीं है और बड़े अच्छा इफेक्ट आता है उसका, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ पे अपना कलर फॉर्मेट RGBA चूज करता हूँ और RGBA कलर फॉर्मेट से मैं इस कलर को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। और हमारा जो कोड मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है, इधर से मैं ओपन करता हूँ हमारी एडमिन का फोल्डर, एडमिन में से हमारा इंडेक्स का पेज, ठीक है। और इंडेक्स के साथ हमारे पास आ जाएगा इसकी एडमिन की स्टाइल शीट, ठीक है जी। तो मैं ये करता हूँ कि हमारे पास जो सबसे पहले है, देखें यहाँ पर हमारे पास हैश हेडर, हेडर का जो बैकग्राउंड कलर मैंने स्काई ब्लू रखा है, तो स्काई ब्लू की जगह मैं इसको पेस्ट करता हूँ जो कलर मैंने वहाँ से कॉपी किया है, और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है जी। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखें ऊपर टॉप का कलर चेंज हो गया, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि इसमें टॉप के बाद जो हमारे पास यहाँ पर है डॉट लेफ्ट है, ठीक है, डॉट लेफ्ट में मैं इसको कहता हूँ कि कलर जो हमारे पास क्या होना चाहिए, इसका वाइट होना चाहिए। इसका कलर वाइट कर दिया हमने। और नेक्स्ट हमारे पास जो डॉट सेंटर है, सेंटर के अंदर हमारे पास H3 है, और H3 को भी हम वही कहते हैं कि कलर इसका हमारे पास क्या होना चाहिए, वाइट होना चाहिए, ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर इसको लास्ट में हमारे पास एक अटैक है, तो एक अटैक को भी हम यही कहते हैं कि इसका कलर हमारे पास वाइट होना चाहिए, ठीक है। तो ये हमारे पास टॉप हमारा रेडी हो गया। अब इसको हेडर को देखिए, मैंने बॉर्डर बॉटम दिया था, बॉर्डर बॉटम की जरूरत नहीं है, इसको काट दें यहाँ से, ठीक है जी। रिफ्रेश करें। अब नेक्स्ट हमारे पास साइड बार, तो साइड बार के लिए मैं कहता हूँ जी मेरे पास कलर जो है ये वाला ज़्यादा बेटर है, इसको मैं चूज़ कर लेता हूँ। और जब साइड बार पे मैं आऊँगा तो इसकी जो बैकग्राउंड कलर है इसको मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं जब, तो देखिए बैकग्राउंड कलर इसका भी चेंज हो गया हमारे पास, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ है जी हमारे पास जो हमारा मेन कॉन्टेंट है, देखिए साइड बार को हमने पोजिशन दी थी फिक्स, और इसको मैं कहता हूँ जी हमारे पास के जो साइड बार है इसका जो लेफ्ट है हमारे पास वो होना चाहिए 0 pixels, ठीक है। और टॉप इसका जो हमारे पास होगा वो होगा जितनी हमारे हेडर की हाइट है उतनी जगह हमें छोड़नी पड़ेगी, 40 pixels, ठीक है। तो मैं कहता हूँ 40 pixels टॉप से जगह छोड़ दो। रिफ्रेश करते हैं, ठीक है जी। देखिए वो वहीं पर है, लेकिन उसको क्या हुआ, उसको फर्क कुछ भी नहीं पड़ा है, लेकिन ऐसा में यह है कि उसने ऊपर से एक्चुअली अपनी जो है ना 40 pixels जगह ऊपर से छोड़ दी है, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चीज हम करते हैं जी, हमारे मेन जो है, मेन जो हमारे पास था वेब का div id साइड बार, साइड बार के बाद मेन कॉन्टेंट। तो हम यहाँ पे कहते हैं जी div id main content, यहाँ पे आते हैं, ठीक है, hash main dash content, ठीक है जी। अब main content की मैं कहता हूँ जी हमारे पास जो width है वो होगी 85%, क्योंकि हमने 15% दी थी width अपने उसको साइड बार को। उसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी इसकी हाइट जो होगी हमारे पास 100% होगी, ठीक है, जितनी स्क्रीन बचती है उतना, ठीक है। पोजिशन इसकी हमारे पास क्या होगी, फिक्स्ड होगी, ठीक है। और पोजीशन जब फिक्स्ड होगी तो उसके बाद हमारे पास इसको कहेंगे कि राइट जो है इसका हमारे पास होगा 0 pixels और टॉप इसका भी होगा हमारे पास 40 pixels, ठीक है जी, क्लियर हो गया। इसको रिफ्रेश करें, तो फिलहाल आपको कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। इसको हम एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं, जिससे हमें ये बैकग्राउंड कलर मैं यहाँ से पिक कर लेता हूँ। और यहाँ पर आगे इसको मैं कहता हूँ कि इसका बैकग्राउंड कलर जो हमारे पास वो होना चाहिए ये वाला, ठीक है जी। और रिफ्रेश करें, जहाँ पर आगे रिफ्रेश करें तो देखिए आपके पास ये बैकग्राउंड कलर यहाँ पर आ गया, क्लियर हो गया जी, बात समझ आ गई। तो ये हमारे पास जो हमारा एडमिन पैनल है उसकी प्रॉपर जो है फिल वक्त हमारे पास जो है ओवरऑल उसकी स्टाइलिंग रेडी होगी, ठीक है, मतलब जो लेआउट हमने पहले रेडी की थी उसी के कलर्स चेंज हो गए। अब नेक्स्ट ये है कि जब इस मेन्यू के ऊपर हम होवर करें तो ये हमारे पास नीचे शो हो, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी चीज़ें हमें चेंज करनी पड़ेंगी, लाइक जैसे हमने यहाँ पर कहा था कि LI के अंदर जो पैडिंग होगी, ठीक है, तो LI को हमने पैडिंग दी, इस पैडिंग को आप यहाँ से कट करें, इस पैडिंग को हम कट करते हैं, ठीक है। और ये पैडिंग हम देते हैं एक टैग को और इसको कहते हैं कि जो लेफ्ट की पैडिंग होगी, ठीक है, वो आपने 0 रखनी है। रिफ्रेश कर दें। अच्छा जी, नेक्स्ट अब देखें उसकी पैडिंग उसके ऊपर अप्लाई नहीं हुई, क्यों नहीं हुई, क्योंकि उसने जो है ना हमने एक टैग को डिस्प्ले ब्लॉक करना होता है हमें, ठीक है, डिस्प्ले ब्लॉक करेंगे। रिफ्रेश करें तो देखिए अप्लाई हो गया सारा इसके ऊपर, ठीक है, क्लियर हो गया जी। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ कि जो नीचे इस LI के ऊपर जब हम होवर करें तो हमारे पास जो है
और देखें ये जो यूएल सब यूएल के अंदर जो एलआई है उसको भी पैडिंग हमने दी है, तो ये पैडिंग कार्ड दी, ठीक है, इस पैडिंग की जरूरत नहीं है। रिफ्रेश करें, अब हावर करें तो देखें प्रॉपर तरीके से आपके पास वो आ रहा है, ठीक है। अब इसको मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास साइड बार है साइड बार, उसके अंदर जो डॉट मेन मेन्यू वाली हमारे पास यूएल है, उसके अंदर जो एलआई है और फिर उसके अंदर जो यूएल है और फिर उसके अंदर एलआई के अंदर जो ए है, उसको हम कहते हैं जी के पैडिंग दे दो, पैडिंग डैश लेफ्ट कितनी 10 pixels, ठीक है, ताकि वो प्रॉपर तरीके से हमें जो है ना उसका सब मेन्यू नज़र आए। क्लियर हो गया? देखिए मैं होगा कहता हूँ तो थोड़ा सा ये आगे आ गया, इससे इसकी नस्बत ये आगे आ गया, ठीक है। तो ये प्रॉपर अब इसका जो है ना सब मेन्यू लग रहा है। यहाँ से मैं इसका कलर चूज़ करता हूँ, मैं ऐसे कलर कहता हूँ जी आरजीबी है मुझे चाहिए और मैं ये वाला कलर चूज़ कर लेता हूँ यहाँ से, ठीक है। और फिर इसको मैं कहता हूँ कि जो हमारी यूएल है इसका बैकग्राउंड कलर हमारे पास ये वाला होना चाहिए, ठीक है। रिफ्रेश करें और जब इसके ऊपर होवर करेंगे तो देखें ये कलर इसके आगे, ठीक है जी। क्लियर हो गया? अच्छा, अब होना ही चाहिए जब इसके ऊपर मैं क्लिक करूं तब ये चीज़ आनी चाहिए, वरना नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, सीएसएस के अंदर हमने यहाँ पर लिखा था कि जब लिस्ट के ऊपर होवर होगा तो उसके अंदर जो सब यूएल है वो डिस्प्ले ब्लॉक होगी, तो इसको आप काट दें, ठीक है। ये यहाँ से आप काट दें, इसको हमने जेक्यूरी की मदद से करना है। रिफ्रेश करें, अभिषेक आप होवर करें फिर भी वो कुछ भी शो नहीं करेगा आपको, ठीक है। तो हमने ये करना है, जेक्यूरी को हम कैसे काम करवाते हैं, जेक्यूरी से हम कैसे काम करते हैं। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करनी है, google.com, ठीक है। google.com ओपन करने के बाद आपने सब सर्च करना है गूगल जेक्यूरी API, ठीक है। गूगल की जेक्यूरी API आप ओपन सर्च करेंगे गूगल पे तो सबसे पहला लिंक आएगा होस्टेड लाइब्रेरीज, ठीक है, गूगल डेवलपर्स की। तो इसके ऊपर क्लिक कर दें और यहाँ पर आपके पास जो है ना ओवरऑल जो लाइब्रेरीज हैं जो हमें ज़रूरत हैं वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। अब ये राइट साइड पे आप देखें ये इतनी लंबी लिस्ट बनी हुई है, ये हमें सारी नहीं चाहिए, ठीक है। हमें जो चाहिए वो है जेक्यूरी, तो जेक्यूरी में से भी देखें आप, जेक्यूरी में भी आपके पास जो है एक 3 है 2 है और 1 है। हम 1 वाला जो कोड है ये HTTPS वाला, ठीक है। ये पूरा लिंक हमने यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया और इसको हम न्यू टैब में ओपन करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास देखें एक पेज आ जाएगा आपके सामने, ये डाउनलोडिंग हो रही है, ठीक है इसकी। तो मैं इसको कहता हूँ सेव, इसको सेव कर लो, कहाँ पर ये रनिंग कर रहा है, और ये देखें ये हमारे पास डाउनलोड हो गया, ठीक है। मेरे वैसे मेरे ब्राउजर में तो ये डायरेक्ट ओपन हो गया, डायरेक्ट डाउनलोड हो गया, लेकिन आप लोगों के पास डायरेक्ट डाउनलोड नहीं होगा, ठीक है। तो मैं इसको कहता हूँ जी हमारे पास जो ई कॉम का फोल्डर है इसके अंदर, बल्कि मैं आपको इसको दूसरे तरीके से करके दिखाता हूँ ताकि आपको जो है ना इसका रिजल्ट को प्रॉब्लम ना दे। तो मैं गूगल ओपन करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं सर्च करता हूँ, यहाँ पर मैं जो उसका लिंक है वो मैं इसके ऊपर ओपन करता हूँ ताकि हमें जो आप लोगों को जो है वो इशू ये वाला ना आए, ठीक है। जो इशू आपको मैं बताता हूँ क्या आएगा, कि देखिए मैंने इसे ओपन किया तो इसने अब डाउनलोड नहीं किया, इसने क्या किया ये आपको चीज़ शो करवा दी है। तो यही चीज़ आपके पास आएगी, आपने इसको डबल क्लिक करना है, कंट्रोल ए प्रेस करें, कॉपी करें, ठीक है। कॉपी करने के बाद आपने अपने ब्राउज़र पर वापस आना है, जो सॉरी जो कोड एडिटर है यहाँ पर एक नया पेज बनाएं और इसके अंदर नया पेज बनाकर इसके अंदर आप इसको पेस्ट कर दें, ठीक है जी। अब नए पेज के अंदर जब सेव पेस्ट करना है तो फिर इसको सेव करना है आपने किस फोल्डर के अंदर, एडमिन के जेएस के फोल्डर के अंदर, किस नाम से, जेक्यूरी के नाम से, jQuery.js के नाम से, ठीक है जी। अब ये देखें सारे कलर इसने पिक कर लिए जावास्क्रिप्ट के, ठीक है। आप इसको क्लोज करें फिर नेक्स्ट दूसरे पे आ जाएं। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ जी इसमें हमारे पास था jQuery UI पे क्लिक करें और ये भी आपके पास देखें स्क्रिप्ट आ रहा है, स्क्रिप्ट का जो लिंक है इस लिंक को कॉपी करें आप, ठीक है। और फिर उसके बाद आप चले जाएं अपने वेब गूगल क्रोम पे, क्रोम में जाके यहाँ पे इसको ऊपर ओपन करें, एंटर प्रेस करें और ये देखें आपके पास अब ये jQuery UI आ गया। मैं इसको कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी करता हूँ कॉपी, और फिर उसके बाद मैं इसको कहता हूँ कि एक न्यू फाइल बनाओ, इसके अंदर इसको पेस्ट करो और सेव कर दो इसको एडमिन के JS फोल्डर के अंदर, किस नाम से, jQuery-UI.js, ठीक है। अब इस नाम से मैंने इसको सेव कर दिया। अब इन दोनों को मैंने अपने इंडेक्स पेज के अंदर कॉल करना है, तो जहां पे बॉडी खत्म हो रही है बॉडी से बिल्कुल पहले आपने इसको कॉल करना है। स्क्रिप्ट का टैग लगाएं, स्क्रिप्ट src इक्वल्स टू js का फोल्डर है उसके अंदर एक तो jQuery की फाइल है, ठीक है, jQuery.js की, और फिर ये जावा ये स्क्रिप्ट हमारा क्लोज हो जाएगा। और फिर हमारे पास दूसरी, इसी को मैं डुप्लीकेट करता हूँ कॉपी पेस्ट, और दूसरी हमारी जो है वो क्या है, jQuery-UI। फिर तीसरी फाइल हम बनाएंगे अभी, उसका नाम जो है हम क्या रखेंगे,
एक कंट्रोल एन करें और इस फाइल को जस्ट आप जो है सेव कर लें इसको आप js के फोल्डर के अंदर, और किस नाम से, functions.js के नाम से। ठीक हो गया जी। अब यहां पर देखिए मैं इसको कॉल करता हूं इंडेक्स में, किस नाम से, functions.js के नाम से। क्लियर हो गया। अब ये हमारा जो है तीनों लाइब्रेरीज, हमारी दो लाइब्रेरीज और एक हमारी फाइल स्क्रिप्टिंग फाइल जो है, ठीक है, ये वाली, ये कॉल हो गई। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं कमेंट डालता हूँ जावा जे क्यूरी का, मैं इसको कहता हूँ जी के जावास्क्रिप्ट का कमेंट ऐड करो मैं यहाँ पे, और इसमें मैं लिखता हूँ कि एडमिन मेन्यू स्क्रिप्ट, ठीक है, एडमिन का मेन्यू जो है उसका स्क्रिप्ट है ये, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो इसका सिंटेक्स है वो मैं कंप्लीट करता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आता है जी डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी के अंदर फंक्शन चलता होता है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है जी, वो ये होता है हमारे पास ओवरऑल, ठीक है, और ये भी हो गया क्लोज सेमी कॉलन और यहाँ पे ये, ठीक है जी। अब इसका देखिए काम क्या है, अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि ये असल में है क्या। ये डॉलर का जो साइन है ये सिलेक्शन के लिए यूज होता है, कोई भी चीज़ सिलेक्ट करनी है तो उसके लिए डॉलर का साइन यूज होता है जेक्यूरी में, ठीक है। डॉक्यूमेंट जो है इसका मतलब है कि ये जो हमारा पेज ओपन हुआ है ना, ये वाला, ठीक है, ये पूरा पेज, इस पूरे पेज को सिलेक्ट कर लो। जब इसे सिलेक्ट कर लिया फिर हम कहते हैं डॉट रेडी, कि जब ये पूरा पेज लोड हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो हमारा वेब का पूरा पेज लोड हो जाएगा जब, ठीक है, फिर उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला फंक्शन रन करना है। जब तक पेज लोड नहीं होगा तब तक ये फंक्शन रन नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि अगर उससे पहले वो रन होगा तो फिर हमारी वेबसाइट और ज़्यादा आहिस्ता ओपन होगी, बहुत स्लो ओपन होगी, ठीक है। तो इसलिए जब हमारी वेबसाइट की स्पीड पे फर्क ना पड़े इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ठीक है। ये इसका मतलब है कि जब हमारा वेब पेज पूरा रेडी हो जाएगा फिर ये फंक्शन रन करना। फंक्शन क्या होगा वो हम अभी डिफाइन करते हैं, ठीक है। जी स्टूडेंट्स, तो फिर हमने ये डॉक्यूमेंट डॉट रेडी का फंक्शन लगा लिया, ठीक है जी। अब इस फंक्शन के अंदर हम लोग क्या करेंगे, हमने असल में जो है ना अपनी, अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि हमने देखें div id sidebar, sidebar के अंदर डॉट मेन मेन्यू, ठीक है, इसको हमने कॉल करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे, सिलेक्शन बनाएंगे, सिलेक्टर के लिए हम क्या करते हैं डॉलर साइन यूज़ करते हैं, ठीक है, jQuery के अंदर ब्रैकेट स्टार्ट सिंगल कोट्स के अंदर हम बताएंगे कि जो हमारे पास डॉट मेन डैश मेन्यू की डिव है उसको सिलेक्ट कर लो, बल्कि जो डॉट मेन मेन्यू की यूएल है उसके अंदर जो एल आई है उसको सिलेक्ट कर लो, ठीक है। और जब इस एल आई के ऊपर क्लिक होगा डॉट क्लिक, जब क्लिक होगा तो फिर प्रॉपर एक और फंक्शन रन करना, ठीक है। उस फंक्शन को हम कहते हैं जी कि फंक्शन को रन करोगे और फंक्शन हमारे पास जो होगा ये दें, ठीक है जी। अब हमने कहा है कि ये जो डॉट मेन मेन्यू की यूएल है उसके अंदर जो एल आई है, ठीक है, उसके ऊपर जब क्लिक होगा, मतलब ये जो हमारे पास जो यू एल है ये वाली, इसके अंदर जो ये यू एल आई है, जब इस एल आई के ऊपर क्लिक होगा तो फिर आगे ये वाली यू एल क्या करेगी, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं जी कि इसके आगे जो है डॉलर, हम कहते हैं जी कि यू एल जो होगी यू एल डॉट स्लाइड टॉगल, ठीक है। स्लाइड टॉगल क्या होता है वो मैं आपको समझाता हूँ कि स्लाइड टॉगल जो है हमारे पास, स्लाइड टॉगल का मतलब है टॉगल जो है वो आपकी स्लाइड के, तो मतलब आपको पता है, ठीक है, कि स्लाइड करता हुआ आएगा। अच्छा, तो हम कहते हैं कि जो जब इस मेन डॉट मेन मेन्यू वाली यूएल के अंदर जो एल आई है, जब इसके ऊपर एल आई के ऊपर क्लिक होगा तो उस एल आई के अंदर जो यूएल है वो स्लाइड टॉगल करेगी, लेकिन आहिस्ता से, स्लो स्पीड में, ठीक है। ये मैंने इसकी स्पीड बताई है कि स्लो स्पीड में करना है, ठीक है। अगर आप स्लो नहीं, यहाँ पर मतलब स्लो नहीं लिखना चाहते तो आप यहाँ पर टाइम भी दे सकते हैं, लाइक 500 मैं कहता हूँ जी 500 मिलीसेकंड्स, ठीक है, ये मिलीसेकंड्स में टाइम है। तो अगर आप 5000 लिखेंगे तो इट मीन्स कि 5 सेकंड्स लेगा वो, ठीक है। तो अगर आप स्लो करते हैं तो वो भी ज़्यादा बेटर है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। स्लो एक स्ट्रिंग टाइम है और वो आप जो ना फिगर्स में टाइम खुद दे रहे हैं, ठीक है जी। वो आपकी अपनी मर्जी टाइम चेंज कर सकते हैं, आप 500 करें, 500 मिलीसेकंड्स या 1000 मिलीसेकंड या 10000, वो आपकी मर्जी है, लेकिन जितना ज़्यादा टाइम करेंगे उतना आहिस्ता से एनिमेशन चलेगी, ठीक है, और जितना कम टाइम होगा उतनी तेज़ एनिमेशन चलेगी। तो स्लाइड का मतलब है कि वो स्लाइड करता हुआ आएगा, ठीक है, टॉप टू बॉटम स्लाइड करेगा। और टॉगल का मतलब है कि वो देखेगा, अगर तो वो शो हो रहा है, मतलब यूएल जो है वो शो है इस वक्त, दोबारा जब क्लिक होगा तो वो गायब हो जाएगी,
लेकिन अगर वो गायब है तो क्लिक करने पे वो शो हो जाएगी, ठीक है। तो इसके लिए लेकिन अभी एक चीज़ यहाँ पे हमने एक और ऐड करनी है, ठीक है, लेकिन वो मैं आपको अभी नहीं बताता क्योंकि वो एक एरर है, वो एक एरर आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, अब जब मैं इस वेबसाइट को हमारी लोड करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, रिफ्रेश करके जब मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर तो देखिए क्या होता है, मेरे क्लिक करने से सारी यूएल गायब होगी, ठीक है। उसने सारी की सारी जो मेन यूएल है उसको भी पिक कर लिया, हालांकि उसको मेन यूएल को पिक नहीं करना चाहिए था, उसको चाहिए था कि जो सब यूएल है उसको सिर्फ पिक करे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको बताएंगे यहाँ पर यूएल के आगे कोमा लगा के दिस, दिस का मतलब ये होता है कि इस एल आई के अंदर जो यूएल आ रही है सिर्फ उसको करना है, ठीक है, बाकी सबको नहीं, यानी कि जो जो यूएल आ रही है सारी की सारी यूएल पकड़ लो, ठीक है, हर यूएल को नहीं पकड़ना। तो मैं फिर इसको रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे, अब इसके ऊपर जब मैं क्लिक करता हूँ तो देखें पहली यूएल शो होगी, दोबारा क्लिक करता हूँ तो वो गायब होगी। तो ये जो अब देखें मैं क्लिक किया तो वो शो होगी ना, ये टॉगल ने चेक किया कि अगर ये शो है तो उसको, अब देखें जैसा शो है ना तो टॉगल इसको हाइड कर देगा, क्यों, क्योंकि इस वक्त शो हो रही है, ठीक है, और अगर हाइड है तो दोबारा क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। इसी तरह से बाकी सब देखें सारी वन बाय वन शो हो रही है, क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखें तो हमारे पास जो है ना ये डिव, अब यहाँ पे नीचे हमारा एक मेन्यू और था लेकिन वो मेन्यू हमें नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, यहाँ पर इस जगह पे हमारा एक मेन्यू था जो हमें नज़र नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि हमारी इस डिव की हाइट खत्म हो गई है। तो हम क्या करेंगे, अपनी सी एस एस में बताएंगे जो हमारी साइड बार है, साइड बार को हम कहेंगे कि इसकी जो इसका जो ओवर फ्लो है, ओवर फ्लो डैश वाई वो होगा ऑटो और ओवर फ्लो डैश एक्स जो होगा वो हिडन होगा, ठीक है। तो इसको रिफ्रेश करें तो जब हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं और ये वन बाय वन देखें सारी चीज़ें शो हो रही हैं, और इसके बाद देखें यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, ये इसके पास जो है ना इसकी वो साइड बार से एक बन, मतलब बार से एक बन की यहाँ पे आ गई हमारे पास, ठीक है। अभी भी हमारे पास लास्ट वाला शो नहीं हो रहा, तो उसको हम शो करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर कहते हैं कि जो हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, ये मेन मेन्यू वाली जो लिस्ट है इसको कॉपी करें और यहाँ पर पेस्ट करें, और इसके आगे हम लिखते हैं लास्ट ऑफ टाइप, मतलब जो सबसे आखिरी वाला है, ठीक है, सबसे आखिरी वाला जो है उसको मार्जिन बॉटम दे दो कितना 150 pixels, ठीक है जी। रिफ्रेश, अब देखें जब इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे भी मार्जिन आ रहा है, ठीक है, ये मार्जिन यहाँ पे भी आ रहा है, इसके अंदर नहीं आना चाहिए। तो इसके अंदर से मार्जिन खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको कॉपी करें आप, ठीक है, और यहीं पे नीचे पेस्ट करें और इसको कहें कि जो हमारे पास मेन मेन्यू के अंदर एल आई है उसके अंदर जो यू एल है और उसके अंदर जो एल आई है उसका लास्ट ऑफ टाइप जो है उसका मार्जिन बॉटम क्या होगा, 0 pixels, ठीक है। अब इसको हम क्लिक करते हैं तो देखें ये मार्जिन नहीं दे रहा, सिर्फ इसके नीचे मार्जिन आ रहा है, ये जो आखिरी वाली है, ठीक है। तो हम इसको क्लिक करते हैं, जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखें वो बार आ गई, अब मैं क्लिक करता जा रहा हूँ तो वो हमारे पास मेन्यूज हमारे देखें अब हाइट कुछ भी नहीं हो रहा, पहले फुटर हाइट हो गया था, अब फुटर हाइट नहीं हो रहा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास हमारी जो मेन्यू है वो रेडी हो चुका है, क्लियर हो गया जी। और जब इसके बाद नेक्स्ट इंशाल्लाह हम ये करेंगे, अच्छा जी, नेक्स्ट जब हमने ये करना है कि जब हम इसके ऊपर क्लिक करें, ठीक है, इस एड न्यू के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पर एक फॉर्म शो हो, और जब व्यू ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पर डेटाबेस के रिकॉर्ड्स शो हो जाए, ठीक है। तो हमने क्या करना जी, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर करते हैं एक ये फंक्शन और डी एस की फाइल में क्लोज कर रहा हूँ, ठीक है। इंडेक्स के पेज में से मैं कहता हूँ जी हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास जो है मैं पीएचपी की मदद से पहले इसके टुकड़े बना लेता हूँ, ठीक है, और फिर हम ये करते हैं कि हम इसको यहाँ पर ये कह देते हैं कि जब हम क्लिक करें इस मेन्यूज के ऐड न्यू पर, ठीक है, तो हमारे पास मेन्यूज का फॉर्म आ जाए। तो मेन्यूज में हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं, हम ये देख लेते हैं यहाँ से कि हमारे पास लोकल होस्ट स्लैश ई शॉप सॉरी ई कॉम, ठीक है, इसके अंदर हमारे पास होम है, सबसे पहले तो एक आइकन है, फिर टेक्स्ट है, और फिर इसके ऊपर लिंक है, ठीक है, ये जो लिंक हमारा इसके ऊपर लगा हुआ है, ठीक है, वो लिंक भी है। तो हम इसको कहते हैं जी कि हमारे पास आ जाएगा 3 fields आ जाएंगी, ठीक है, और एक बटन आ जाएगा। तो हमारा जो फॉर्म बनेगा 3 fields और एक बटन बनेगा। तो मैं इसको ये कहता हूँ एक नया पेज हम बनाते हैं यहाँ पर, जिस तरह मेन्यूज वाला, ठीक है, मेन्यू है, तो हम कहते हैं जी यहाँ पर एक नया पेज बन जाएगा, कंट्रोल एन करें, नया पेज, और इस सारे को आप कंट्रोल ए करके कॉपी कर लें, ठीक है,
यहाँ पर लाकर इसको पेस्ट करें, इसको सेव करें आप इसी जगह पर एडमिन के मेन पेज के अंदर किस नाम से, इंसर्ट इंसर्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट पी एच पी, ठीक है जी, इंसर्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट पी एच पी, ठीक है। अब इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर कि ये तो सारा हमारे पास एज इट इज रहेगा, लेकिन जो मेन कंटेंट है ना, यहाँ पर हमारे पास मेन कंटेंट में आ जाएगा फॉर्म, ठीक है, एक फॉर्म आ जाएगा। फॉर्म को हम कहते हैं जी कि मेथड होगा इसका हमारे पास पोस्ट का, ठीक है, फॉर्म का मेथड हमारे पास पोस्ट का होगा, और फॉर्म का जो एक्शन है वो हमारे पास यही वाला पेज होगा, मतलब कि इंसर्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट पी एच पी का पेज, ठीक है। और फिर इसके बाद हम कहते हैं इसका इनकोडिंग टाइप जो हमारे पास वो होगा मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म डैश डेटा, ठीक हो गया जी। तो इसको हम कहते हैं जी कि फॉर्म हमारा क्लोज हो जाएगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट इसके अंदर हमें चाहिए जी सबसे पहले एक फील्ड सेट, तो मैं कहता हूँ फील्ड सेट मुझे चाहिए, एक फील्ड सेट आ जाएगा और फील्ड सेट मेरा यहाँ पे क्लोज। अब इस फील्ड सेट के अंदर मुझे सबसे पहले लेबल चाहिए, ठीक है, लेबल आ गया, लेबल को मैं क्लोज कर देता हूँ यहाँ पर। और फिर इसके बाद मुझे इनपुट का टैग चाहिए, इनपुट जिसका टाइप क्या होगा हमारे पास टेक्स्ट, और इसका प्लेस होल्डर होगा हमारे पास एंटर मेन्यू आइकन नेम, ठीक है, बल्कि एंटर मेन्यू टेक्स्ट, ठीक है, मेन्यू का टेक्स्ट यहाँ पे शो करो, ठीक है जी। और उसके बाद हम कहते हैं जिसको प्लेस होल्डर हो गया ख़त्म। और फिर इसको एक नेम देंगे हम जो कि पीएचपी में हमारी हेल्प करेगा, इसको मैं नेम देता हूँ जी मेन्यू डैश टेक्स्ट, ठीक है। और फिर इसके बाद इनपुट का टैग क्लोज। फिर मैं इसका कहता हूँ जी लेबल में हम लिख देते हैं कि मेन्यू टेक्स्ट, ठीक है जी, मेन्यू टेक्स्ट, ठीक है जी। और फिर इसके बाद मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इस फील्ड सेट की मैं तीन कॉपीज बना लेता हूँ, चार कॉपीज, ठीक है। फिर मेन्यू टेक्स्ट के बाद मेन्यू लिंक आ जाएगा हमारे पास, ठीक है, मेन्यू लिंक हो जाएगा हमारे पास, एंटर मेन्यू लिंक, ठीक है जी। और फिर मेन्यू लिंक इसका नेम भी हो जाएगा। फिर हम कहते हैं जी कि हमारे पास यहाँ पे मेन्यू का आइकन आना चाहिए, ठीक है, लेकिन आइकन के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर उसको शो करेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, सेलेक्ट की स्टेटमेंट उसको देंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट की स्टेटमेंट हम लगाएंगे यहाँ पर, और सेलेक्ट की स्टेटमेंट हमारे पास यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ पे क्लोज हो जाएगी, ठीक है। और इस सेलेक्ट की स्टेटमेंट के अंदर हम डिफरेंट ऑप्शन देंगे, जिसमें हम पहली ऑप्शन देते हैं यहाँ पे इसका नेम भी हम चेंज करें, मेन्यू आइकन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको कहते हैं जी ऑप्शन हम पहला इसको देंगे, और यहाँ पे ऑप्शन का टैग क्लोज। अच्छा, ऑप्शन के अंदर हम पहले देते हैं ऑप्शन की चूज आइकन, आइकन नेम हेयर, ठीक है। और दूसरा इसको हम कहते हैं जी जिससे हमारे पास क्या था, होम का आइकन था, ठीक है, तो हम कहते हैं जी होम आइकन। और फिर इसके बाद हम कहते हैं जी, अच्छा हम इसको कहते हैं होम पेज आइकन, ठीक है, होम पेज आइकन, ठीक है। उसके बाद हम इसको कहते हैं जी के अबाउट पेज आइकन। फिर हम इसको कहते हैं जी हमारे पास था हमारे मेन्यूज में कौन कौन सी चीज़ें थी, होम, अबाउट, प्रोडक्ट, गैलरी। तो मैं इसको कहता हूँ अबाउट के बाद प्रोडक्ट्स आ जाएगा, प्रोडक्ट्स पेज आइकन। और फिर हम इसको कहते हैं जी हमारे पास आ जाएगा नेक्स्ट गैलरी पेज आइकन। फिर हम इसको कहते हैं जी हमारे पास आ जाएगा गैलरी पेज आइकन के बाद पोर्टफोलियो एंड देन हमारे पास कॉन्टैक्ट। तो मैं कहता हूँ पोर्टफोलियो पेज आइकन, ठीक है, और फिर कॉन्टैक्ट पेज आइकन, ठीक है जी, कॉन्टैक्ट पेज आइकन। अच्छा, अभी ये जो है ना काम नहीं करेंगे, इनको हमें वैल्यूज देनी पड़ेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ऑप्शन, इसको ऑप्शन के अंदर मैं लिखता हूँ वैल्यू, ठीक है, इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी फा स्पेस फा डैश होम, ठीक है जी, ये फा स्पेस फा डैश होम हमारे पास आ गया, ठीक है। फिर इसको मैं कॉपी करता हूँ यहाँ से और सब के अंदर इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास आइकन है अबाउट का, तो फा स्पेस फा डैश इन्फो, और फिर हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट पेज फॉर डैश शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग डैश कार्ट। और फिर हम कहते हैं जी हमारे पास गैलरी का जो आइकन है इसमें हमारे पास था फोटो, तो फिर हम कहते हैं फर्स्ट पेज फॉर डैश फोटो। और फिर हमारे पास आ जाएगा हमारे पास कैमरा, ठीक है जी, और फिर लास्ट में हमारे पास एनवेलप, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अब ये जो वैल्यूज है ना, असल में ये वैल्यूज जब यहाँ से कोई बंदा सेलेक्ट करेगा ना कोई चीज़, तो वो जाएगा फिर उस डेटाबेस में जो वैल्यू जाएगी वो ये होगी, ठीक है, वो ये नाम नहीं होगा, बल्कि ये जो वैल्यू है फा फा होम ये वाली वैल्यू होगी, ठीक है,
क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट हम कहते हैं जी लास्ट में हमारे पास एक बटन हमें चाहिए यहाँ पे इंसर्ट का, तो मैं कहता हूँ जी इनपुट टाइप इसका होगा हमारे पास सबमिट, ठीक है। तो ये बटन बन जाएगा और प्लेस होल्डर नहीं होता इसका, इसका वैल्यू होती है। वैल्यू में हम कहते हैं जी इंसर्ट नाउ, ठीक है। और इसमें लास्ट में कहता हूँ कि इंसर्ट डैश मेन्यू डैश btn, मतलब इंसर्ट मेन्यू बटन, ठीक है। क्लियर हो गया जी, ये आपको क्लियर होगा जी। अब इसके बाद हम क्या कहते हैं इसकी स्टाइल शीट में स्टाइलिंग कर लेते हैं इसकी सबसे पहले। तो हम कहते हैं जी हमारे पास जो अच्छा यहाँ पे फॉर्म है ना, देखें फॉर्म को हमने कोई आईडी शाइडी नहीं दी, ठीक है, तो कुछ भी नहीं दिया, डायरेक्ट मैं फॉर्म को कॉल करूँगा। तो फॉर्म की बार बार हमें स्टाइलिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें एक दफा स्टाइलिंग करेंगे ओवरऑल सारों में अप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा जी इसको मैं कहता हूँ जी कि हैश मेन कॉन्टेंट के अंदर हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, और फॉर्म के अंदर हमारे पास सबसे पहले जो है वो फील्ड सेट है, बटन ओपन। अच्छा फील्ड सेट है, फील्ड सेट के अंदर हमारे पास जो है वो लेबल है, लेबल के बाद हमारे पास जो है यहाँ पे इनपुट का टैग है जिसका टाइप क्या है हमारे पास, इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट का टाइप क्या है, टेक्स्ट है हमारे पास, ठीक हो गया जी। और फिर हम इसको लास्ट में कहते हैं जी हमारे पास एक और भी है जिसका इनपुट टाइप क्या है हमारे पास, सबमिट। अच्छा जब फॉर्म आ गया तो फॉर्म को सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास फॉर्म जो है उसकी पैडिंग आ जाएगी ओवरऑल हर साइड की, ठीक है, 10 pixels। और फिर हम इसको यहाँ पे आके रिफ्रेश करते हैं, तो अच्छा यहाँ पे आपको नज़र नहीं आ रहा, तो पहले मैं इसको मेन्यूज में लिंक कर देता हूँ, इंडेक्स के पेज में जाके मैं इसको कहता हूँ कि ऐड न्यू का जो पेज है इसको मैं कहता हूँ यहाँ पर लिंक लगा दो, ठीक है। यहाँ पे लिंक आएगा हमारे पास इंसर्ट अंडरस्कोर मेन्यू डॉट php, क्लियर हो गया। इसको रिफ्रेश करें और जब मैं देखें अब यहाँ पे जो है ना ये जो मेन है ये जो मेन्यूज है जो ये मेन्यूज इसके ऊपर क्लिक करने से कुछ भी नहीं होना ना, तो जब क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ऊपर हैश आ रहा है, ये हैश भी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पे मैं जावास्क्रिप्ट का void फंक्शन लगाता हूँ, जावास्क्रिप्ट और आगे इसको मैं कहता हूँ void का फंक्शन यूज करो और ये जीरो कर दो वैल्यू इसकी, ठीक है। क्लियर हो गया जी, अब इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये इसको मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ। अब रिफ्रेश करता हूँ, देखिए जब मैं दोबारा क्लिक करूँगा तो वहाँ पे हैश नहीं आएगा, ठीक है। ये अब जो है ना मेन्यूज भी हमारे चल पड़े और बाकी उसके जो है हैश भी यहाँ पे नहीं आया। अच्छा जी अब जब मैं ऐड न्यू पे क्लिक करता हूँ तो देखिए हमारे पास यहाँ पे मेन्यू का पूरा पेज आ गया, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें वही हैं, सिर्फ ये चीज़ें हमारे पास नहीं आ गई यहाँ पे, ठीक है। और ये हमारे पास सारी लिस्ट भी आ रही है, ठीक है जी, क्लियर हो गया। अच्छा अब हम क्या करते हैं इसकी स्टाइलिंग करते हैं, इसको थोड़ा सा खूबसूरत बनाते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं जी फील्ड सेट है हमारा, तो फील्ड सेट में हमारे पास बॉर्डर जो है सबसे पहले हो जाएगा नन, फील्ड सेट का बॉर्डर नन, फील्ड सेट की आउटलाइन भी नन हम कर देंगे, ठीक है जी। और उसके बाद हम कहते हैं जी कि हमारे पास जो लेबल है इस लेबल को हम कहते हैं जी इसकी विड्थ हमारे पास होनी चाहिए 150 pixels, ठीक है। और ये फ्लोट करेगा लेफ्ट साइड पे, फ्लोट करेगा लेफ्ट साइड पर, ठीक है। और फिर इसको हम रिफ्रेश करते हैं जी, तो देखिए ये लेफ्ट साइड पर आ गया और वो सारे आमने सामने आ गए, ठीक है। अब फिर इसको मैं कहता हूँ कि ये डिस्प्ले होगा एज ए ब्लॉक, डिस्प्ले होगा एज ब्लॉक, रिफ्रेश होगा जी। अच्छा जी नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ कि जो टेक्स्ट है हमारे पास इनपुट टाइप टेक्स्ट उसमें आ जाए, उसको मैं कहता हूँ कि इसकी विड्थ जो होगी हमारे पास वो होगी 80%, रिफ्रेश करें तो 80% यहाँ तक आ गया, ठीक है। मैं इसको कहता हूँ बल्कि इसकी विड्थ हमारे पास होनी चाहिए 60%, ठीक है, तो इतनी बहुत है इसकी विड्थ। फिर मैं इसको कहता हूँ जी हमारे पास इसकी जो पैडिंग है वो होनी चाहिए टॉप बॉटम 10 pixels, राइट लेफ्ट 0 pixels, ठीक है जी। फिर इसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है इसका बॉर्डर रेडियस आना चाहिए, बॉर्डर डैश रेडियस, ये मैं कहता हूँ जी 5 pixels होना चाहिए हमारे पास। इसको रिफ्रेश करें तो देखें कोने इसके गोल हो गए, ठीक है, कोने इनके इसके जो है वो गोल हो गए। अगर आप इसको 10 pixels कर देंगे तो ये थोड़ा और आपको वाजह हो जाएगा, क्लियर हो गया। लेकिन 10 pixels बहुत ज़्यादा, तो मैं इसको कहता हूँ जी हमारे पास ये मैक्सिमम 7 pixels बहुत है बॉर्डर रेडियस, ठीक है जी। अच्छा नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ कि इनपुट टाइप टेक्स्ट को हम पैडिंग टॉप की 10, राइट की 0, बॉटम की 10 और लेफ्ट की भी 10 pixels दे रहे हैं, ठीक है। रिफ्रेश करें तो देखें ये टेक्स्ट थोड़ा सा आगे आ गया, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट चीज़, नेक्स्ट मैं फील्ड सेट को ये कहता हूँ कि इसका जो मार्जिन बॉटम है, मार्जिन बॉटम इसका हम कहते हैं जी होना चाहिए हमारे पास 20 pixels, रिफ्रेश करें, देखें तीनों के बीच में आपके पास वो आ गया, मार्जिन आ गया, ठीक है। अच्छा जी नेक्स्ट हम आते हैं इस एक लेबल के टैग में, ठीक है। लेबल के टैग को भी हम यही कहते हैं कि इसमें हमारे पास पैडिंग आनी चाहिए टॉप बॉटम की 10 pixels और राइट लेफ्ट
जीरो पिक्सल्स, ठीक है जी। रिफ्रेश करें तो ये देखें ये भी इसके सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसका जो फॉन्ट साइज है वो मैं कहता हूँ जी, हमारे पास फॉन्ट साइज का होना चाहिए, फॉन्ट साइज 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश करें बहुत ज़्यादा हो गया ये, तो इसको हम कहते हैं जी 16 पिक्सल्स कर लें, ठीक है। 16 पिक्सल्स फॉन्ट इसका बहुत है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ कि इसका जो कलर है हमारे पास लेबल का वो होना चाहिए वाइट। रिफ्रेश कर लें जी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट एक चीज़ हमारे पास और रह गई, इसको आप कॉपी करें और यहाँ पे आप इसको पेस्ट करें। यहाँ पे हमारे पास फील्ड सेट के अंदर एक सिलेक्ट स्टेटमेंट थी, ठीक है। इसको भी रिफ्रेश करें तो देखिए ये इसकी भी स्टाइलिंग प्रॉपर वही होगी, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ कि जो सिलेक्ट स्टेटमेंट है उसकी पैडिंग तो हमारे पास टॉप बॉटम की आ गई, राइट लेफ्ट की भी आ गई, लेकिन इसकी जो विड्थ है वो हमारे पास प्रॉपर नहीं आ रही। तो हम इसको कहते हैं इसकी जो विड्थ हमारे पास वो होनी चाहिए 62%। 62 ज़्यादा हो गया तो 61.5%। इसको रिफ्रेश करें तो देखिए उसके ऑलमोस्ट इक्वल है ये, ठीक है जी। क्लियर हो गया, ये इसके बिल्कुल एक्यूरेट इक्वल लेवल पे आ गया। अब नेक्स्ट इसको मैं कहता हूँ कि जो लास्ट हमारा इनपुट का बटन है, इनपुट टाइप सबमिट वाला बटन, ठीक है। आप इसकी ये सारी चीज़ें कॉपी करें इनपुट टाइप टेक्स्ट में से और ये सबमिट में पेस्ट करें। जस्ट जो विड्थ था उसको काट दें, विड्थ इसकी नहीं होगी। इसकी जो पैडिंग है वो राइट टॉप बॉटम की तो होगी इसकी 10 पिक्सल्स, लेकिन राइट लेफ्ट की 30 पिक्सल्स, ठीक है। और ये रिफ्रेश करें तो आपके पास देखें बटन रेडी हो गया, ठीक है जी। अब इस बटन को मैं ये कहता हूँ कि इसके पास मार्जिन आना चाहिए, मार्जिन डैश लेफ्ट कितना, जितनी हमने लेबल की विड्थ रखी है, ठीक है जी। क्लियर हो गया, तो ये बटन हमारा इधर आगे आ गया। अब नेक्स्ट चीज़ जो है हमारे पास वो ये है कि इसमें हमारे पास ऊपर एक टाइटल आना चाहिए इस फॉर्म में। तो हम ये कहते हैं जी कि इसका जो इंसर्ट मेन्यू का पेज है फॉर्म के ऊपर मेन कॉन्टेंट के अंदर, ठीक है। हम यहाँ पे कहते हैं जी हमारे पास एच टू आना चाहिए। एच टू के अंदर हम लिखते हैं जी आई का टैग आई क्लास इक्वल्स टू फर्स्ट स्पेस फॉर डैश पेंसिल, ठीक है। और ये आई का टैग क्लोज, और फिर हम इसको कहते हैं जी यहाँ पर हमारा एच टू का टैग क्लोज। और एच टू के टैग क्लोज करने से पहले हम लिखते हैं यहाँ पर कि एड न्यू मेन्यू, ठीक है। और इसको रिफ्रेश करें तो देखें एड न्यू मेन्यू आ गया यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ, ठीक है। बल्कि बेटर ये है कि आप इसको फॉर्म के टैग के अंदर ले जाइए, ठीक है जी। फॉर्म के टैग के अंदर लेके जाएंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि उसमें पैडिंग हमें देनी नहीं पड़ेगी इसको राइट लेफ्ट की, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, देखें उसको टॉप बॉटम राइट लेफ्ट की पैडिंग खुद बखुद मिल गई। अब नेक्स्ट इसको मैं ये कहता हूँ कि जो हमारे पास फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म के अंदर सबसे पहले हमारे पास आता है H2, और H2 के अंदर फिर हमारे पास आता है आई के टैग। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि हमारे पास जो H2 है उसका उसकी पैडिंग जो है टॉप बॉटम की 10 पिक्सल्स, राइट लेफ्ट 0 पिक्सल्स। रिफ्रेश करें, ठीक है। और बल्कि इसको हम ऐसा करते हैं कि मेन कंटेंट को इसमें इसको हम फॉर्म से बाहर ही निकाल लेते हैं, ठीक है। फॉर्म से बाहर निकाल लें तो ज़्यादा बेटर हमारे लिए। ये फॉर्म से बाहर आ जाएगा यहाँ से भी, और यहाँ से भी ये फॉर्म से बाहर आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम रिफ्रेश करते हैं जी, तो ये हमारे पास आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब इसको मैं स्टाइल शीट में कहता हूँ कि मेन कंटेंट के अंदर जो H2 है इसकी पैडिंग ओवरऑल जो है हमारे पास होगी 10 पिक्सल्स, ठीक है जी। और इसके बाद नेक्स्ट इसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो है इसकी फॉन्ट फैमिली जो है हमारे पास वो होनी चाहिए, हमने जैसे यहाँ पे फॉन्ट फैमिली लगाई थी मार्वल की, ठीक है। तो मैं कहता हूँ कि मार्वल की फॉन्ट फैमिली हमारे पास होनी चाहिए यहाँ पर, मार्वल की फॉन्ट फैमिली लगा जिसको मैंने, ठीक है। और फिर इसको मैं कहता हूँ जी इसका फॉन्ट साइज जो हमारे पास फॉन्ट साइज का मैं कहता हूँ जी हमारे पास होना चाहिए 32 पिक्सल्स, ठीक है। इसको रिफ्रेश करें और फिर इसको मैं कहता हूँ जी आई के टैग को मार्जिन देना है हमने, मार्जिन राइट 10 पिक्सल्स। और इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मार्जिन आ गया, ठीक है। और अच्छा ये फॉर्म काट दें यहाँ से क्योंकि फॉर्म के अंदर नहीं है, ये मार्जिन आ गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं कहता हूँ जी एच टू का जो कलर है हमारे पास वो वाइट होना चाहिए, तो हैश ट्रिपल एफ इसका हमने कलर कर दिया और रिफ्रेश कर लें, ठीक है जी। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट इसको मैं ये कहता हूँ कि इसके नीचे बॉर्डर आना चाहिए, बॉर्डर बॉटम 1 पिक्सल सॉलिड हैश ट्रिपल एफ, ठीक है। रिफ्रेश करें तो ये देखें बॉटम इसका मार्जिन जो है पूरा आ रहा है, ठीक है। इतना बड़ा मार्जिन बॉटम इसका जो है ना मतलब नहीं आना चाहिए, इतना बड़ा इसका जो बॉर्डर है वो नहीं आना चाहिए, ठीक है जी। तो इसके लिए सबसे पहले तो हम एच टू को ये कहते हैं कि मार्जिन दे दो बॉटम साइड का कितना 30 पिक्सल्स, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है इसने कि डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक करना है अपने आप को, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है।
तो ये देखें बॉर्डर उतना ही आएगा जितना कि इसकी अपनी विड्थ है, ठीक हो गया, बात समझ आएगी। अब नेक्स्ट इसको मैं ये कहता हूँ कि मार्जिन इसने देना है लेफ्ट साइड से भी, ठीक है, मार्जिन डैश लेफ्ट, हम इसको कहते हैं 10 pixels, ठीक है, रिफ्रेश करें तो ये आगे आ गया और ये आपके पास हेडिंग प्रॉपर इसकी रेडी होगी, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो ये हमारा आज का जो है लेक्चर था जिसमें हमने अपने मेन्यू के लिए क्या किया कि ओवरऑल सारी चीज़ें इसके हमने रेडी की, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें और करनी चाहिए, बतानी है जो लिंक है यहाँ पर, हमें इसको थोड़ी सी हिंट देनी चाहिए नीचे, ठीक है। तो हम इसको ये कहते हैं कि जो कोडिंग है, कोडिंग में जो हमारा इंसर्ट अंडरस्कोर मेन्यू का पेज है, यहाँ पर देखें तो ये लिंक है, मेन्यू लिंक, इसके फील्ड से इनके जो इनपुट का टैग है ना, इसके नीचे मैं इसको कहता हूँ कि लेबल का टैग लगा दो और लेबल का टैग क्लोज कर दो, और इसकी स्टाइलिंग में यहीं पर रखूंगा। मैं इसको कहता हूँ जी फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल इंडेक्स डॉट PHP, ठीक है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट मैं इसको कहता हूँ कि यहाँ पे इसको इनलाइन स्टाइल दे दो, क्योंकि लेबल को स्टाइलिंग हमने पहले से की हुई है। तो इसको मैं कहता हूँ जी, इसके जो मार्जिन है हमारे पास लेफ्ट साइड से वो हो जाएगा 150 pixels, ठीक है, और इसकी विड्थ जो है हमारे पास हो जाएगी 60%, ठीक है जी, और इसका रिफ्रेश करें इसको हम, तो देखें यहाँ पे आ गया। अब नेक्स्ट इसको मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो इसका कलर है वो होना चाहिए #EEE, इसको रिफ्रेश करें तो ये थोड़ा सा मर्ज हो गया बीच में, ठीक है, या अगर आप चाहें तो इसको #CCC भी कर सकते हैं, ठीक है जी, CCC ज़्यादा बेटर है। तो इसके बाद मैं इसको कहता हूँ जी कि इसकी जो पैडिंग है वो इसकी क्या होनी चाहिए, 0 pixels होनी चाहिए, इसको पैडिंग नहीं देनी हमने, ठीक है, बल्कि पैडिंग इसको हम टॉप की देते हैं 5 pixels, राइट की 0, बॉटम की भी 0 और लेफ्ट की भी 0 pixels, ठीक है, रिफ्रेश करें। और फिर मैं इसको कहता हूँ जी कि हमारे पास जो है ये हमारे पास ओके हो गया, रेडी है, फॉर एग्जाम्पल हमने इसकी रेडी कर दिया, एग्जाम्पल भी दे दी इसको, तो ये ठीक है जी, बहुत है इतना, ठीक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो हमने कंप्लीट कर लिया, रेडी कर लिया, ठीक है। इंशाल्लाह कल हम इसी के ही एडवांस वर्जन पे काम करेंगे, मतलब कि इसमें डेटाबेस का कनेक्शन बनाकर डाटा इंसर्ट करवाएंगे, और फिर उसको जब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे व्यू ऑल पे, तो यहाँ पे एक नया पेज आएगा, उस व्यू ऑल के पेज पे हम इसको शो करवाएंगे, ठीक है जी, कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा आ रहा है, क्लियर हो गया। तो हमारा ये आज का लेक्चर था, इसके लिए बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।